ओके गाइस, वेरी हैप्पी मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं, रिज्यूम करते हैं एंड रिवाइज करते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स को जबरदस्त तरीके से। पूरा पॉलिटिकल अफेयर्स आज अपन रिवाइज करेंगे, इफ टाइम परमिट्स। मैं तो चाहता हूँ पूरा फाइनेंशियल अफेयर्स, लीगल अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स साथ में तीनों भी चैप्टर्स को अपन रिवाइज करेंगे। पहले हम नोट्स में से देख लेते हैं अगर कुछ कंटेंट अपना रह गया है क्या पढ़ना पॉलिटिकल अफेयर्स में से जो मॉड्यूल में दिया हुआ है। एंड नंबर टू, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और अपन जाएंगे ऑडियो रिविजन के ऊपर। एक बार ऑडियो रिविजन हो गया, अगर टाइम बचता है उसके बाद तो हम क्या करेंगे, हम पूरे तीनों चैप्टर्स को फटाफट रिवाइज करेंगे। कल हमारा होगा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, परसों भी हमारा होगा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। दोनों दिन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, कल थोड़ा सा पॉलिटिकल पे ज्यादा रखूंगा और परसों मिक्स एंड मैच पूरे तीनों भी लेंगे अपन। ठीक है, तो पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा आगे बढ़ के हम स्टार्ट करेंगे फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। मे बी आज क्या है, आज है वेनेसडे, सो आज ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे से मे बी हम स्टार्ट कर लेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, चीज क्लियर है ना? यस, चल ग्रेट। देखते हैं, यहां पे मैंने स्टूडेंट्स नोट में आपको कहा था कि इसके जो शॉर्ट फॉर्म्स हमने देखे थे, जैसे यहाँ पे पी फॉर प्राइम मिनिस्टर, तो पी फॉर पर्सनल, पी फॉर पेंशंस, पी फॉर पब्लिक ग्रीवेंसेस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, इनके सब हमने शॉर्टकट्स देखे हुए। इन सब चीजों को पूरे राज्य के नाथ है, ए फॉर अमित, ए फॉर अफेयर्स, पूरे घर के अफेयर्स संभालते हैं मोदी जी के, बिकॉज ये मोदी जी के बहुत क्लोज है। तो ये स्टूडेंट नोट्स में मैंने आपको पूरे टेक्निक्स या निमोनिक्स लिखने बोले थे, आई होप आपने ये लिखे होंगे। इसमें देखो अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है हो चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो है ये हो चुके हैं, उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हो चुके हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो है ये अपना पेंडिंग है। आप क्या कर सकते हो, इनको आप गो थ्रू कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको अलग से कवर करने वाला हूं, अभी नहीं करूंगा। मे बी अपन नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स देखने के बाद जब अपन बुलेटिन वाले पॉइंट्स पे जाएंगे तब मैं इस चीज को कवर कर लूंगा। ठीक है, इंटेंशनली नहीं कर रहा हूँ। रीजन ये है कि जैसे अभी आप यहां देखोगे, अपन ने देखा हुआ है किरण रिजिजू, हमने देखा है आर फॉर रिजिजू, आर के बाद एस आता है एस फॉर स्पोर्ट्स, तो इनको स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री दी गई है, जो कि यहाँ पे अपन ने देखा हुआ है, यहाँ पे अपन ने देखा हुआ है कि इनको स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री दी गई है अगर आप देखोगे तो। बट अगेन इनको दूसरी कोई मिनिस्ट्री दी गई है स्टेट चार्ज के लिए, यानी कि सेकेंडरी चार्ज के लिए, तो वहां पे फिर से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूजन ना हो फिलहाल के लिए, इसके लिए मैंने आपको ये अवॉइड करवाया है, इसको अपन अलग तरीके से देख लेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है एज फार एज दैट पार्ट वॉज कंसर्न। हाँ आना, ठीक है, चलो आ जाओ आगे। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नर्स की, हमने ये देख लिया। देखो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक कंपैरेटिव चार्ट दूंगा कि ओल्ड गवर्नर्स कौन थे, न्यू गवर्नर कौन है। हमने महाराष्ट्र के केस में ओल्ड गवर्नर विद्यासागर राव थे, न्यू गवर्नर भरत सिंह कोश्यारी थे, राइट। नेक्स्ट इवन हमने देखा राजस्थान के केस में पहले कल्याण सिंह थे और अभी कालराज मिश्रा है, राइट। एंड ये जो कालराज मिश्रा भी राजस्थान में है, ये पहले हिमाचल प्रदेश में थे और वहां से इनको राजस्थान में पोस्ट किया गया बाद में। ठीक है, उसके बाद बाकी के सब नए लोग हैं जो अपन ने ऑलरेडी देखे हुए हैं। नेक्स्ट उसके बाद डीपीपी डीआरपी, हमने दो डीपीपी और डीपीएम दोनों भी देखे थे, किसके लिए कमिटी बनाई गई है, राइट। उसके बाद सीएसआर का हमने प्रोविजन देखा था, सेक्शन नंबर 135 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये हमने देखा हुआ था। और उसके बाद हमने क्या कमिटी बिठाई गई है वो भी देखा था, राइट। इंडियन एग्रीकल्चर के लिए जो कमिटी बिठाई गई थी देवेंद्र फडणवीस जी के लीडरशिप में, वो कमिटी के बारे में हमने स्टडी किया था। जम्मू एंड कश्मीर के एसेट्स बांटने के लिए जो कमिटी बनाई है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। 11th नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जी, इनके बारे में हमने स्टडी किया है। फिर माइकल देवव्रता इज द डायरेक्टर, वॉज द डायरेक्टर, उनको डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया, इनको डेप्यूटी गवर्नर, ये कितने हुए, फोर्थ डेप्यूटी गवर्नर है एज ऑफ नाउ, फोर्थ डेप्यूटी गवर्नर, राइट। चार डेप्यूटी गवर्नर के नाम हमने देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नर हरीश साल्वे जी का अपॉइंटमेंट क्वींस काउंसिल में किया था, याद आ रहा होगा आपको, तो देखो आया ना, ठीक है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, चार जजेस अपॉइंट हुए थे थ्रू 2019 का जो बिल पास हुआ था। ये चार कौन कौन थे, वी रामसुब्रमण्यम, कृष्णा मुरारी, एस वे रविंद्र भट्ट एंड ऋषिकेश रॉय, इन चार लोगों को इन चारों जगहों से अपॉइंट किया गया था, ठीक है। सर कौन से जगह से थे, नाम याद करना जरूरी है क्या, ये भी याद करना जरूरी है क्या, इतना हद तक नहीं, एक बार उसको देख लो समझ लो सर, बस दैट इज इट, ठीक है। चीज क्लियर है, हाँ या ना, लाइव बच वालों फटाफट, कुछ आवाज नहीं आ गई तुम लोगों की। नेक्स्ट हमने देखा पीके मिश्रा एंड पीके सिन्हा, पीके मिश्रा को एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी से प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक प्रमोट किया गया था, और जो पीके सिन्हा थे इनको यू कैन से प्रिंसिपल एडवाइजर करके प्रमोट किया गया था। दो चीजें हैं, पीके मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पीके सिन्हा प्रिंसिपल एडवाइजर, सिन्हा इज द एडवाइजर, मिश्रा इज द सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी है और ये जो है ये एडवाइजर है, बडवाइजर नहीं रहे, एडवाइजर, हाँ ठीक है। चीज क्लियर है यहां तक, हाँ ना, फटाफट बोलो, चलो लाइव चलो, चीज क्लियर है यहां तक, कोई डाउट कोई क्वेरी, यस कोई डाउट कोई क्वेरी बेटा,
बोलो जल्दी। माइंड नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको। हाँ यस, एनीथिंग एल्स? नो सर, नो डाउट, क्या बात है। चलो सर, फंक्शंस ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या होता है बेटा? फंक्शंस में जाने की जरूरत पहली चीज तो नहीं है। दूसरी चीज, इनका मेन काम होता है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे रिकॉर्ड्स जो भी है प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस में, पीएमओ में, ये सब चीजें इनका काम होता है। एडवाइजरी का काम ये होता है कि पूरे जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, बाकी के जो बाकी के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनके पास से चीजें लेना और उसमें से जो काम की चीजें है वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करना कि सर ये चीजें कुछ आई है इस स्टेट से, ये चीज आई है कोविड के रिलेटेड, ऐसा ऐसा आके एडवाइस करना। बेसिकली ये तो काम होता है सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा काम, और यहाँ पे एडवाइजरी पूरा एडवाइस के रिलेटेड ही पूरा काम। ठीक है, चीज क्लियर है? यस, हाँ ना। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जाते हैं। राजीव गौबा जी को अपॉइंट किया गया था नेक्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी 2 साल के लिए, ये देखा हुआ है। अरविंद कृष्णा न्यू सीईओ कौन से कंपनी के? आईबीएम के थे। अरविंद कृष्णा आईबीएम कंपनी के थे। यस, देन नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स किसके ऊपर बात की गई थी? डेटा पैकेट्स। पीछे इमेज देखो, इस इमेज को हमने देखा हुआ है ध्यान से। क्या किया गया था डेटा पैकेट्स में? कलेक्शन के लिए एक प्रॉपर पोर्टल बनाना, इंटीग्रेटेड पोर्टल, जहां से कलेक्ट भी हो, जहां से इंफॉर्मेशन आगे भी बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पे अपन ने बात की थी। किस चीज के लिए बात की थी यहाँ पे लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में? कि जो एमएसएमईज होते हैं, जो छोटे छोटे कंपनीज होते हैं जो लॉजिस्टिक्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनको उन लोगों तक पहुंचाना जिनको लॉजिस्टिक्स की सर्विस की जरूरत है। नेक्स्ट एजुकेशन पॉलिसी में हमने बात किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, इसके लिए पैसे की जरूरत है, और ये पैसा कहाँ से आएगा? ईसीबी से आएगा, इन एडिशन टू एफडीआईज। एफडीआई तो आप लो ही, बट एफडीआई के अलावा ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स ले लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट विवाद से विश्वास। सर ये क्या है? ये हमने नहीं देखा है अभी तक, विवाद से विश्वास पे बात करते हैं। आ जाओ यहाँ तक, ऊपर तक चीजें क्लियर है? हाँ या ना? यस। अच्छा ध्यान दो, विवाद से विश्वास को रीड करो एक बार, गो फॉर इट फास्ट, रीड करो, मुझे बताओ क्या आपको समझ रहा है उसमें से। बोलो क्या समझा? ओ लाइव बैच वालों बोलो, अंडरस्टूड, क्या समझा वो बताना है।
आई थिंक इट इज स्टेटिंग दैट द टैक्स पेयर विल ओनली पे द डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ टैक्स। सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आना चाहिए था काफी स्टूडेंट्स को, बिकॉज आपको पता ही नहीं है ये चीज। ठीक, कैसा होता है जब भी आप इनकम टैक्स एक्ट में जाते हो, इनकम टैक्स एक्ट या फिर कोई भी टैक्सेशन एक्ट। टैक्स क्या होता है बेसिकली? जो हमारे पास से कलेक्ट किया जाता है हमारे इनकम में का एक शेयर। किस लिए ये शेयर कलेक्ट किया जाता है? बिकॉज इस देश को चलाना है, तो हम जो कमाएंगे हम ही तो सब देश चलाएंगे, हम ही तो देशवासी है, हम ही तो देश चलाएंगे। पूरी जिम्मेदारी तो हमने ही ले रखी है, तो ये जिम्मेदारी जो हमने ले रखी है इसके लिए हमको टैक्स भरना होता है। अब जब गवर्नमेंट टैक्स लेता है तो कई बार ऐसा होता है बिजनेसमैन अपना टैक्स बचाने के लिए बोलता है, नहीं भाई ये टैक्स, इस पर टैक्स नहीं आएगा, मैं टैक्स नहीं भरूंगा। ठीक है, हो सकता है सच में टैक्स ना आए उस पर, हो सकता है कुछ कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है गवर्नमेंट के बीच और इस पर्सन के बीच जो बिजनेस कर रहा है, क्योंकि उसको टैक्स नहीं पे करना है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इस चीज को डिस्प्यूट में रख देते हैं, इसने कोर्ट केस कर दिया, कोर्ट में केस पेंडिंग है। अब जब कोर्ट में केस पेंडिंग है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट क्या बोलता है, नहीं भाई टैक्स लूंगा अगले दिन से लूंगा, इंटरेस्ट के साथ लूंगा, पेनल्टी भी लूंगा कि तूने नहीं भरा है। इंटरेस्ट किस चीज का? यू कैन से लेट टैक्स भरने का, और वेवर करते हैं इसका, यानी कि इसको वेव कर दिया। वेव कर दिया मतलब इसको निकाल दिया कि तुमको इंटरेस्ट भरने की जरूरत नहीं है, अभी माफ कर दिया गया है, वेव कर दिया है मतलब। ठीक है, और पेनल्टी मतलब क्या? पेनल्टी मतलब तुमने टाइम पर डिपॉजिट नहीं किया, उसमें तुमको फाइन। मतलब पेनल्टी इज सिंपली फाइन, ये एक सिंपल फाइन है। और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज नथिंग बट आपको टैक्स के ऊपर लगाया गया एक पैसा, जो कि आपको एक फाइन की तरह सही है, बट ये लेट डिपॉजिट के लिए है और ये डिफॉल्ट करने के लिए है। गलती करने के लिए पेनल्टी है, फाइन है, और लेट डिपॉजिट करने के लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट है। समझ रहे हो बात को? हाँ ना, बिकॉज ये पैसा तो उनका था ना, अगर उन्होंने बैंक में रखा होता तो उनको इंटरेस्ट मिला होता, तो वो तो बैंक में नहीं रख रहे, बिकॉज उनको तो आपने पैसा दिया ही नहीं, पैसा तो आपके पास है, तो आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट आप उनको दे दो। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना। तो विवाद से विश्वास, VSV करके इस स्कीम को जाना जाता है। ये स्कीम अभी भी इन पिक्चर है। इस स्कीम को कोविड की वजह से डिले किया गया था जून 2020 में, उसके बाद इसको आगे भी डिले किया गया था। तो क्या है इस चीज का मतलब बेसिकली? जो भी लोग फंसे पड़े हैं, किस चीज में फंसे पड़े हैं कि यार नहीं हमको पैसा नहीं भरना है, तो उनको गवर्नमेंट ने बोले काम करो यार, तुम ये झगड़ा छोड़ो, कब जाएंगे कोर्ट में, कब चीज सॉल्व होगी, काम करो, जितना भी टैक्स अमाउंट है ना भर दो, हमको पेनल्टी नहीं चाहिए, हमको इंटरेस्ट नहीं चाहिए, माफ करते हैं, तुम सिर्फ जो पैसा है टैक्स का उतना भर दो, चीज क्लियर कर दो। और ये किस चीज के लिए? जहां पे केसेस डिस्प्यूट में है, यानी कि जहां पे बिजनेसमैन बोल रहा है कि टैक्स नहीं लगेगा और जहां पे गवर्नमेंट बोल रहा है कि टैक्स लगेगा। चीजें क्लियर है? अब एक बार देख लो, अंजलि यस वेरी मच करेक्ट, समझा चीज क्लियर है? अभी नीचे निर्विक को रीड करो और नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन को रीड करो। निर्विक अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है इसके पहले। डन, मानसी क्या बोल रहे हो आप? सर ये एक पॉइंट ऑफ टाइम तक है। करेक्ट करेक्ट, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक, हमेशा की स्कीम नहीं है ये, फिर तो ऐसे तो केसेस लिटिगेशन में जाएगी नहीं। लिटिगेशन मतलब क्या? आप एग्री कर रहे हो और कोई एग्री नहीं कर रहा है उस चीज पे, एक ही चीज के दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, चलो
निर्विक को हमने ऑलरेडी देखा था, अगर आपको याद होगा तो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंसेंटिव की स्कीम थी ये, जहां पे निर्विक के हिसाब से इन्होंने क्या किया हुआ था कि यार एक स्कीम ऑर्गेनाइज की है जहां पे इंडिया का इंसान कोई बिजनेस इंडिया का एक्सपोर्ट कर सके चीजों को, और एक्सपोर्ट करने के लिए उसको जो भी लोन लगता है उस चीज को बनाने के लिए, या इसको देने बाद सामने वाले से गारंटी लगती है कि पैसा आएगा ही, नहीं आया तो मुझे पैसा मेरा भर के मिलने वाला है, ये सब चीजों के बारे में हमने स्टडी किया था। तो इसके बारे में अगर मैं सिंपली बात करूं, हमने ये लीगल अफेयर्स में देखा हुआ है ऑलरेडी, लीगल एंड फाइनेंशियल अफेयर्स में अपन ने इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट के दो चीजें हैं इस पेज पे, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन। ध्यान देना, अपन ने इसको अपने पीपीटीज में नहीं पढ़ा हुआ है। ये मिशन है जिसका काम है 4 साल तक, आने वाले 4 साल तक, यानी कि 2020 से लेकर 2024 तक इतना पैसा ये खर्चा करेगा। किस चीज के लिए? ताकि हम टेक्सटाइल्स में, यानी कि जो कपड़े वगैरह ये सब चीजें होती है ना, हैंडलूम टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा, इसमें हम एक ग्लोबल लीडर बने, हम ज्यादा से ज्यादा चीज ये बनाए अच्छा क्वालिटी की और इसको एक्सपोर्ट भी करें। ठीक है, विलेज स्टोरेज स्कीम, याद है कि एसएसजी के बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है, याद है क्या? फाइनेंशियल्स में हमने पढ़ा हुआ था जब हम नाबार्ड के बारे में पढ़ रहे थे। क्या बोलता है ये एसएसजी? मतलब क्या सर, एसएसजी मतलब क्या? एसएसजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएसजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, राइट। अब यहां पे क्या होता है, ये स्कीम है जो विलेज के फार्मर्स को, बेसिकली वही लोग रन करते हैं स्कीम को जो लेडीज वगैरह होती है वहां पे, एंड ये वुमेन जो होती है ये क्यों करती है, बिकॉज जब भी ये लोग क्या करते हैं, सिंपली एक ग्रुप बनाते हैं 4-5 लोगों का, जिनकी जिनका माइंडसेट मिलता है, जो एग्री होते हैं इस बात पे, जो जैसे अपन ने क्या मॉडर्न जमाने में यहाँ पे किटी पार्टीज वगैरह सुनते, वैसे इनकी छोटी सी ग्रुप होती है। इस ग्रुप में ये लोग क्या करते हैं, समझो 10 लोग है फॉर एग्जाम्पल, ये 10 के 10 वुमेन जो है अपना अपना पैसा जितना भी ये कमाती है, जितना भी इनके पास है, सबको साथ में इकट्ठा करती है एवरी मंथ, एंड जिस मंथ में भी जिसको जरूरत पड़ता है उस पर्सन को, उस पर्टिकुलर वुमेन को पैसा दे देते हैं, राइट। इसके लिए इनको बोला गया है धान्य लक्ष्मी। ये धान्य लक्ष्मी का कंसेप्ट वे बैक एकदम एंशिएंट जमाने से है, आज उस कंसेप्ट को एसएसजी पे कन्वर्ट किया था, पहले एसएचजी से लेके बैंकिंग सिस्टम को, तो उसको विलेज स्टोरेज स्कीम में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, एंड कोई भी कॉस्ट, यू कैन से फार्मर्स को जो होल्डिंग कॉस्ट होता है, क्रॉप्स को होल्ड करना, रॉ मटेरियल को होल्ड करना, या फिर लॉजिस्टिक्स सप्लाई करना, उस चीज को, दोनों भी चीजें यहां पे कवर हो जाती है, एंड बेसिकली कहीं भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, फटाफट देख लो, चीज क्लियर है? हाँ, सर आउट ऑफ सिलेबस आता है, पूछ रहे हो बता रहे हो? हाँ, डी यू थिंग्स पूछ रहे हो बेटा, बता रहे हो? अनिर्बन, बट सर इज इट लाइक ई चॉपल्स? बेटा मुझे उस कंसेप्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं है। अच्छा, पूछ रहे हो ना? यस बेटा, आता है आउट ऑफ सिलेबस, क्यों नहीं आएगा, आ सकता है। करंट अफेयर से कहां का भी टॉपिक है, जनरलाइज टॉपिक पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जितना हो सकता है हम लोग क्लास में ही स्टडी कर रहे हैं एक्स्ट्रा चीजें भी, एंड उसके अलावा भी कुछ भी आ सकता है। आप इनिशियल इंट्रोडक्टरी वाला सेशन देखना, उसमें मैंने बताया है कि अगर वैसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है और किस तरीके से उसकी पढ़ाई करनी है। आप इंट्रोडक्टरी पहला सेशन देखो, आई गेस 40 मिनट का होगा वो, जो इंट्रोडक्टरी सेशन होगा उसमें मैंने ये सब चीजें कवर की हुई है, तो उसको आप ध्यान से देख लो। ठीक है, चलो, ये 3 पॉइंट्स है, अगेन ये 3 ऐसे पॉइंट्स है जो अपन ने अभी तक नहीं देखे हुए हैं। मैं चाहता हूं आप तीनों पॉइंट्स को एक बार रीड करो, आई विल गिव यू 5 मिनट्स, अच्छे से पूरा रीड करो, अच्छे से पूरा रीड करो, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट।
जेब रहा है क्या? डन, लास्ट 2 मिनट्स। अरे बेटा, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। सर पढ़ लिया, थोड़ा समझने आ गया है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जितना समझा है वेरी गुड, नहीं समझा अपन देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ को शॉर्ट में एक्सप्लेन कीजिए। ओके सर, एक बार किसान मानधन योजना के बारे में बताएं। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं, समझते हैं। नेचर ऑफ स्कीम को समझो, एग्जैक्टली क्या स्कीम लाई गई है। राइट, गवर्नमेंट लॉन्च उम्मीद प्रोजेक्ट टू टैकल इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीजेस। राइट, इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीजेस मतलब क्या, पहले इसको समझना है। जो बाय बर्थ इनहेरिट करता, इनहेरिट मतलब अपने मॉम डैड दादा दादी नाना नानी इनसे आई हुई कोई डिजीज, जो एक बच्चे को पैदाइशी
या मे भी पैदा होने के तो कुछ टाइम बाद, बट इनहेरिटेड जेनेटिक, जेनेटिक मतलब जो जीन्स होती है अपने अंदर उसके थ्रू ये चीजें आती है। तो यहाँ पर यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, इसी का शॉर्ट फॉर्म उम्मीद है। इसके लिए इन्होंने काफी केंद्र या यू कैन से निदान केंद्र या निदान सेंटर्स बनाए हैं। निदान मतलब क्या, नेशनल इनहेरिटेड डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन, ये सेंटर्स बनाए हैं। ये कौन सा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा है इस चीज को, कौन बना रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT। एंड ये कौन से हेल्थ पॉलिसी के अंदर आया है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जो गवर्नमेंट बनाई उसके अंदर आया है। सिंपल से सिर्फ चीज इतनी है कि इस चीज के लिए अलग से मैनेज किया जा रहा है, अलग से सेंटर्स बनाया जा रहा है जहां पे पर्सनली यू कैन से हेल्थ मिनिस्ट्री एंड DBT इसके ऊपर ध्यान दे रही है ताकि ये काम अच्छे से हो एंड हम इस डिजीज को टैकल करें, यानी कि इन लोगों को हम जल्दी से जल्दी ठीक कर सके। समझ रहे हो बात को, हाँ है ना, इतना ही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट किसान मानधन योजना। रांची में 12 सितंबर को पीएम मोदी ने यह पॉलिसी लॉन्च की थी जिसमें बोला था कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनका ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, जो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं, इनको कम से कम 3,000 रुपीज पर मंथ की पेंशन मिलेगी जब ये 60 ईयर्स ऑफ एज जाएंगे। अभी जो ये फार्मर है ये तो अपना काम कर रहा है, कोई जॉब तो नहीं कर रहा है जिसको पेंशन मिलने वाले, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, बट फिर भी गवर्नमेंट ने कहा एक काम करेंगे, सिंस इस फार्मर को ये जिएगा कैसे, इसका घर कैसे चलेगा अगर ये रिटायरमेंट ले लेता है, तो रिटायरमेंट मतलब ये काम नहीं कर पा रहा है, तो 60 साल की उम्र के बाद इनको 3,000 रुपए पर मंथ ऐसे मिलेंगे। और ऐसे उन्होंने काफी फार्मर्स को ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। एनी फार्मर हु इज बिटवीन द एज और यू कैन से इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 years कैन रजिस्टर फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा अगर मैं देखूं, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। लघु व्यापारी मतलब स्मॉल व्यापारी, स्मॉल स्मॉल बिजनेसमैन जो होते हैं ना, छोटे बिजनेसमैन, जैसे यहाँ पे छोटे फार्मर्स हो गए, यहाँ पे छोटे बिजनेसमैन हो गए। सर छोटों के लिए ही क्यों कर रहे, बड़ों के लिए क्यों नहीं, बेटा बड़ो बड़े खुद कर सकते हैं, समझ रहे हो, उल्टा बड़ों ने इनको हेल्प करनी चाहिए ये चीजों को करने में। तो छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं इनके लिए इन्होंने क्या किया, छोटे बिजनेसमैन मतलब कितने, अगेन जिनका GST के बेसिस पर टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है, ऐसे ही लोगों को गवर्नमेंट ये स्कीम देती है। और गवर्नमेंट ने 7.5 करोड़ रुपए मार्क करके रखे, ईयर मार्क करके रखे, मतलब साइड में करके रखे हैं, साइड में अलॉट करके रखे हुए हैं इस चीज के लिए, अलॉट करके रखे हुए आप बोल सकते हो, राइट। अगेन कौन अप्लाई कर सकता है, 18 to 14 years, एनीवन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद एम्प्लॉयड है, खुद का दुकान है, छोटा मोटा खुद का रिटेल ट्रेडर एक्सेट्रा है, तो इनको हेल्प करने के लिए स्कीम लाई गई है। ठीक है, अब मैंने समझाने के बाद शायद आपको चीजें समझने आ गई होगी। अब एक मिनट का भी टाइम नहीं देता हूं, फटाफट जस्ट फटाफट गो थ्रू कर लो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कोई समरी बना रहा है तो प्लीज समरी बना लो। डन, सर ये 7.5 करोड़ का मतलब ये पैसे को निकाल के रखा गया है इन लोगों के लिए, कि इन लोगों में जो पैसा हम बांटेंगे स्कीम के थ्रू, जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनको ये पैसा हम देने वाले हैं। ईयर मार्क मतलब अलॉटेड, लिखा है ना मैंने, अलॉट करके रखना, उस चीज के लिए साइड में निकाल के रखना। अपन कैसे करते हैं कि अपने को जब लगता है कि यार ये चीज मुझे आगे लगने वाली है, इसके लिए मुझे पैसे लगने वाले, तो अपन उसके लिए थोड़े से पैसे निकाल के साइड में रखते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट ने थोड़े से पैसे निकाल के साइड में रख दिए। ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, डिजिटल लाइब्रेरी है जहां पे पहले क्या होता था, एंशियंट जमाने में जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस हुआ करते थे, यहाँ पे गवर्नमेंट अलग अलग कोर्सेज के बुक्स रखता था ताकि गवर्नमेंट खुद के इनिशिएटिव में लोगों को हेल्प करे जिन लोगों को पढ़ना है। आज क्या हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन है, राइट। गवर्नमेंट ने इसकी तैयारी पहले से ही स्टार्ट कर दी थी और डिजिटल इंडिया के तहत, जैसे ही डिजिटल इंडिया मिशन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आई गेस समवेयर बिटवीन 2015-16 में अनाउंस किया था, उस टाइम से ही इन्होंने एक डिजिटल रिजर्वायर या डिजिटल रिसोर्सेज का एक यू कैन से पोर्टल, एक डोमेन, एक एप्लीकेशन, राइट, बनाया था। और पहले ऑलरेडी एक एप्लीकेशन था उमंग ऐप करके, उसके थ्रू इसको उन्होंने लिंक कर दिया। और इनकी वेबसाइट है ndl.gov.in, ndl नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, राइट। इनका काम क्या है, ये पूरी मिनिस्ट्री जो इस जिसके अंडर ये प्रोजेक्ट आता है,
इनका काम क्या है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अलग अलग लेवल्स पे यूपीएससी सीए सीएस सीएमए एमबीए बीकॉम और बायोटेक्नोलॉजी साइंस रिलेटेड कोर्सेस इंजीनियरिंग डॉक्टरी एक्सेट्रा जितने भी कोर्सेस है अलग अलग लेवल पे अच्छे से अच्छे वीडियोस अच्छे से अच्छे नोट्स बना के दिए जाए, एक सिंगल वीडियो सिंगल विंडो एक ही फैसिलिटी के अंदर एक ही पोर्टल के अंदर, ताकि लोगों को बेनिफिट हो एंड जिनके पास पैसा नहीं है वो भी पढ़ सके। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ जल जीवन मिशन। जल ही जीवन है, मतलब पानी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। सो इसी पानी की चीज को लेते हुए उन्होंने क्या कहा है कि हर हाउस होल्ड में, जहां पे आज के डेट पे 73rd इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में उन्होंने कहा था, जहां पे आज के डेट पे लोगों के पास पानी नहीं जाता, जहां पे पाइप्स ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है पानी जाने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट। इसी के लिए उन्होंने जल जीवन मिशन अनाउंस किया था कि अगले 2 से 5 सालों के अंदर हम पाइप्ड हाउस होल्ड मतलब पाइप्ड वाटर भेजेंगे हाउस होल्ड में, ठीक है। दोनों चीजों को फटाफट देख लो, वो फॉर इट फर्स्ट। चीज क्लियर है? हाँ ना, नहीं नहीं सिर्फ एक बार मयंक, सिर्फ एक बार, हर साल भी निकालेंगे बट यहां पे जो दिया हुआ है वो सिर्फ एक इसके लिए दिया हुआ। चीज क्लियर है? हाँ ना, सर NMEICT ये क्या होता है ये बताओ, बताता हूं बेटा। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसी का शॉर्ट फॉर्म है NMEICT, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से पढ़ते तो आपको समझ जाता, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग स्कीम। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? हमें नहीं पता सर AI क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने रोबोटिक्स सुना होगा, राइट। एक रोबोट आपके सब काम करता है, रोबोट समझ पा रहा है कि आपको क्या चाहिए। आपने एलेक्सा देखा होगा क्या? एलेक्सा Amazon बहुत मार्केट करता है एलेक्सा की, राइट। आपने ये वेरिएबल वॉचेस वगैरह देखे होंगे, वॉच को पहन लिया कि वो वॉच से ही आप सब रोटेट कर सकते हो, आप सब चीजें देख सकते हो, राइट। ये चीज हो गई। ऐसे बहुत सारे गैजेट्स टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब इनके दिमाग, इनको दिमाग है, ये समझ सकते हैं, मशीन लर्न कर सकती है। मशीन कैन लर्न, जिसको ML कंसेप्ट बोला जाता है, मशीन लर्निंग। इसके तो सिस्टम बनाया है, सिस्टम मशीन समझेगी, मशीन समझेगी मशीन एक्ट करेगी। आप बोलो, आप ऑर्डर दो, रोबोट काम करेंगे। समझ रहे हो क्या बात? आया ना, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको बढ़ाने के लिए इंडिया में नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी एक अलायंस बनाया गया है। HRD मिनिस्ट्री ने स्कीम को लिया हुआ है कि हम ज्यादा से ज्यादा आगे इस चीज को यूज करें।
एंड इसमें गवर्नमेंट ने काफी अलग अलग स्कीम्स अनाउंस की है ताकि जो लर्नर है, जो समझना चाहता है, जो सिखाना चाहता है, दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ सके और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सके। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना, ठीक है, चल ये चीज क्लियर है, यस और नो? अच्छा अब ध्यान देना, यहाँ पे तीन स्कीम्स है, पीजीएस स्कीम बोलते हैं इसको, ये जीएमएस स्कीम है और स्टार्टअप्स के लिए कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे अभी नहीं लिखा था उसके ऊपर, हम नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स में इनके बारे में पढ़ने वाले हैं और फिर हम फिर से यहाँ पे आएंगे, बट ब्रीफ में सिंस बात निकली ही है तो ब्रीफ में समझाता हूँ आपको। हमने एनबीएफसीज के बारे में डिस्कस किया था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था, बैंकिंग के बारे में डिस्कस किया था जब हम फाइनेंशियल अफेयर्स में थे। वहां पे गारंटी देने वाला कोई तो भी था कि अगर तुमको नुकसान हो जाता है बैंक को तो कोई तो है जो पैसा गारंटी करेगा, जो पैसा देगा, पार्शियल गारंटी स्कीम, समझ रहे हो, पार्शियल गारंटी स्कीम, यानी कि क्या, तुम लोन दो, अगर लोन तुमको फिर से नहीं मिलता है पैसा उसका, तो उसमें से कुछ हद तक हम पैसा तुमको रिफंड कर देंगे। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना, हम तुमको पैसा रिफंड करेंगे, हम तुमको गारंटी दे रहे हैं कि हम तुम्हें थोड़ा सा पैसा दे देंगे उसमें से। नेक्स्ट गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, तुम गोल्ड खरीदो, यानी कि गोल्ड का बॉन्ड खरीदो, गोल्ड खरीदो, गोल्ड को जाके बैंक में डिपॉजिट करो, बैंक तुमको गवर्नमेंट बॉन्ड देगा, एक बॉन्ड देगा, उस बॉन्ड की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब तुम्हारे गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, तो गोल्ड मत रखो अपने पास, चोरी हो सकता है, अब बॉन्ड को रख लो, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए और अलग पॉलिसीज आई है, राइट, बहुत सारे पॉलिसीज आई है, उसमें दो तीन पॉलिसीज के बारे में उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है जो हम नेशनल अफेयर्स के टाइम पे देख लेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, आई थिंक सो टू मोर पेजेस टू गो, उसको अपन पढ़ेंगे। उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप इस पार्ट को अच्छे से रीड कर लो, अच्छे से रीड करो पूरा प्रॉपर, गो फॉर इट फास्ट। सर अब तो एजुकेशन मिनिस्ट्री अलग से है ना? यस बेटा अलग से है, लाइक सो सर पीपीएसपी स्कीम एंड लाइक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, यस एग्जैक्टली, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे ही वो स्कीम होती है। नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम पे है बेटा, पूरे नोट्स है वहां पे, आप इंट्रोडक्टरी सेशन देखो। सर मुझे नहीं समझने आया के
हो गया रीड करके, देख ले क्या है क्या नहीं है। डन। चलो ध्यान दो, समझते हैं चीज को। वर्ल्ड का कॉन्फ्रेंस, पूरे वर्ल्ड का मतलब सब लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूथ बेसिकली जो होते हैं, इन यूथ लोगों को साथ में लाया गया। और किसका कॉन्फ्रेंस था? काइंडनेस के लिए कॉन्फ्रेंस था। सर काइंडनेस मतलब क्या, किस बात की आप बात कर रहे हो? एम्पैथी, कंपैशन, माइंडफुलनेस एंड क्रिटिकल इंक्वायरी। मतलब खुद से पूछो, खुद को दूसरों से पूछो कि यार कहां क्या चीजें गलत हो रही है। माइंडफुलनेस सोच समझ के, डीप थिंकिंग, कंपैशन लोगों के प्रति एक अफेक्शनेट प्रभाव रखना, यानी कि किसी को भी हर्ट न करना ट्राई करके, राइट, एम्पैथी एक्सेट्रा, ये सब चीजें हो गई। अब इन्होंने इन्होंने क्या किया, बेसिकली गांधी जी के जो सिद्धांत थे, गांधी जी जो प्रिंसिपल्स फॉलो करते थे, सत्य अहिंसा एक्सेट्रा, ये सब चीजें उसमें इंक्लूडेड थी। इनके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस रखा गया न्यू दिल्ली, मुंबई, न्यू दिल्ली बोल रहा हूँ, मुंबई बोल रहा हूँ, न्यू दिल्ली इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस रखा गया टू सेलिब्रेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। एंड यहाँ पे थीम रखी गई थी वसुधैव कुटुंबकम। अब क्या होल यू कैन से जो अपना प्रिंसिपल अपन फॉलो करते हैं आज तक, राइट, दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट दिस, राइट। अब यहाँ पे सिंपली स्पीकिंग इनका मेन मकसद क्या था, इन्होंने ये क्यों चीज की, बेसिकली लोगों में एक उत्साह जगाने के लिए कि आपका करियर वगैरह इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, एम्पैथी, कंपैशन, माइंडफुलनेस, क्रिटिकल इंक्वायरी, ये सब चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, इसको डेवलप कैसे करना है, इसके ऊपर सब बात की, इंस्पायर्ड बाय ऑफकोर्स महात्मा गांधी, राइट। सो इनके ऊपर चीजें डिस्कस हुई। ऑल्सो यूनाइटेड नेशंस का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूनाइटेड नेशंस का जो SDG का स्कीम है, ये बोलता है सिंपली दैट अगर अगर हमको एक एज ए ह्यूमन बींग जिंदगी में कुछ करना है, इट इज नॉट ओनली मनी, इट इज नॉट ओनली स्टडीज, इट इज नॉट ओनली योर करियर, यू शुड हैव दीज वैल्यूज ऑल्सो, ओनली देन यू विल बी एबल टू ग्रो एंड सस्टेन योर ग्रोथ। तो इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थोड़ा समझ गया अभी, ग्रेट, ठीक है। चलो आगे आते हैं इस चीज पे। PIO कार्ड्स, PIO मतलब क्या, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब इंडिया में पैदा हुआ इंसान, या एक इंसान जो बोले बाहर पैदा हुआ है बट उसके डायरेक्ट मदर फादर जो है, फर्स्ट जनरेशन जो है उसके ऊपर की, वो इंडिया की है, राइट। ये एक डॉक्यूमेंट है जो ट्रैवल के लिए यूज होता है, यूजुअली जब वीजा आप लेते हो, पासपोर्ट यूज करते हो, उसी के हिसाब से। एंड ये मार्च 2020 तक यूज हो जाएगा। अभी पहले ये यू कैन से सितंबर 2019 की इसकी लिमिट थी, इसको एक्सटेंड करके मार्च 2020 कर लिया गया। अब इसकी मीनिंग क्या होती है समझना, जब मैं बोलता हूँ नॉन रेसिडेंट इंडियन, सी एक होता है सिटीजनशिप, दूसरा होता है रेसिडेंशियल स्टेटस। जब मैं सिटीजनशिप की बात करता हूँ, सिंपली स्पीकिंग जो इंडिया का सिटीजन है वो इंडिया का सिटीजन है, उसके पास सिटीजनशिप है, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हिज मदर एंड फादर आर बॉर्न इन इंडिया एंड ही इज आल्सो बॉर्न इन इंडिया, ही और शी, राइट। जब मैं नॉन रेसिडेंट बोलता हूँ या रेसिडेंट बोलता हूँ, ये टैक्सेबिलिटी के रिलेटेड होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टैक्सेबिलिटी के रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं और बताया गया है कि अगर आप रेसिडेंट हो इंडिया में, इसका मतलब आप कुछ कुछ दिन तक इंडिया में रहे हुए हो, तो आपको इस तरीके से टैक्सेस एप्लीकेबल हो गया, आपकी पूरी इनकम पर टैक्स लगाई जाएगी। और अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भले आप सिटीजन हो बट आप नॉन रेसिडेंट हो, उसमें टैक्सेबिलिटी आपकी अलग होगी, राइट, समझ रहे हो बात को? हाँ, है ना। और PIO कार्ड सिर्फ ये बताता है कि आप भले अगर बाहर के हो बट आपका ओरिजिन इंडिया से, तो ये कार्ड ट्रैवलिंग पर्पस के लिए, वीजा को मिलने के लिए इजी कर देते हैं। और ये पहले सितंबर 2019 तक ही अवेलेबल था, उसको एक्सटेंड करके मार्च 2020 तक किया गया है, उसके बाद कोविड की वजह से वापस एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। सो इनका सिंपल मीनिंग क्या होता है, जिन लोगों के पास PIO कार्ड्स है, इनको अगर अपने कार्ड्स को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जो कि एक बेहतर तरीके से डिटेल्ड कार्ड बनाया गया है, दोनों में फर्क क्या है सर, यहाँ पे आप इंडिया से हो ये बताया गया है, और यहाँ पे बताया गया है कि आपको इंडिया का सिटीजनशिप नहीं है बट आप इंडिया से हो, और अभी आपको और कोई सिटी का, और कोई कंट्री का, ओवरसीज और कोई कंट्री का सिटीजनशिप आपके पास है। दोनों कार्ड्स की मीनिंग लगभग सेम ही होती है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं, इस चीज को देखो, दो तीन इंटरेस्टिंग केसेस है, अभी उसको देखते हैं फिर स्टॉप करेंगे, फटाफट देख लो, गो फॉर इट फास्ट। पहला ही वाला पार्ट पढ़ना सिर्फ, कौन सा वाला, कैबिनेट अप्रूव्स वाला पार्ट।
सर बफर हो रहा है, आएगा आएगा। हम लोग वैसे भी सिर्फ रीड कर रहे हो ना अभी, तो बफर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब्सिक्वेंट ऑफेंस मतलब क्या सर? ये ऑर्डिनेंस था तो बाद में पार्लियामेंट में पास हुआ क्या? यस बेटा, ये पास हो गया है, पास हो गया है ऑलरेडी। ऑर्डिनेंस मतलब मिड ऑफ द पार्लियामेंट में इसको पास किया गया है। कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया कि प्रोमुलगेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, ई सिगरेट्स। हमने इतने सारे ई इलेक्ट्रॉनिक चीजें सुनी है, ई सिगरेट्स भी होते हैं कुछ, पता होगा आपको शायद, राइट? नहीं तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे कुछ होता है। आप गूगल पे इसकी वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो, राइट? 2019 में इसके ऊपर इसका यूज, इसका सेल, इसका मैन्युफैक्चरिंग, इसका स्टोरेज, एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू ई सिगरेट्स इज एन ऑफेंस। ऑफेंस मतलब क्या? पनिशेबल ऑफेंस, यानी कि एक गलत चीज है, आपने क्राइम कर लिया ऐसा समझा जाएगा, सॉर्ट ऑफ, राइट? फर्स्ट ऑफेंस पहली बार गलती की तो 1 साल तक की जेल मिल सकती है, या फिर 1 लाख का फाइन, या फिर दोनों। सब्सिक्वेंट ऑफेंस मतलब दूसरी बार, तीसरी बार, आगे आने वाला कोई भी नंबर ऑफ ऑफेंस, 3 साल की जेल एंड एंड है और नहीं है, एंड फाइन अप टू 5 लाख रुपीज। एंड अगर आपने सिर्फ स्टोर किया है सिगरेट्स को, आप सेल कर रहे हो, स्टोर करके सेल कर रहे हो, इंप्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और फाइन ऑफ 50,000 और पुत। समझ रहे हो बात को? हाँ आना नेक्स्ट, आई गेस सो ये लास्ट 3 पॉइंट्स है। चलो लास्ट 2 मिनट्स फटाफट देख लो। अरे क्लास खत्म नहीं, क्लास चालू ना बेटा। हेलो, फटाफट देख लो। डन।
चलो एक बार क्विकली इस चीज को डिस्कस करते हैं। जब मैं फॉरएवर 21 की बात करता हूं, ये एक ब्रांड का नाम है, एक फैशन स्टोर, एक फैशन चेन है। चेन मतलब क्या, एक ही नाम है ब्रांड और अलग अलग दुकान है। जैसे शॉपर स्टॉप सुना है आपने इंडिया में, जैसे अपन रिलायंस मॉल बिग बाजार सुनते, उसी तरीके से। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये जो बिजनेस था, ये बहुत पॉपुलर बिजनेस था उस टाइम का, एक जमाने में हुआ करता था यूएस में। आज के डेट पे इन्हीं की गलती की वजह से इनके यू कैन से जो स्टोर्स है काफी कंट्रीज में शट हो चुके हैं। इवन ये जो कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं, प्राइवेट है, इट विल क्लोज अप 178 स्टोर्स। इतने 180 के करीबन स्टोर्स उन्होंने बंद कर दिए हैं। द रीजन फॉर अ क्लोज इज दैट बिकॉज दे वर फेसिंग लॉसेस। खुद नहीं एक्सपैंड करने का सोचा और खुद से ही एक्सपैंड नहीं कर पाए अच्छे से, इसकी वजह से इनका स्टोर बंद करना पड़ा है। ठीक है, फॉलो ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। अगर इंडिया में या कोई भी कंट्री में, ओवरऑल इन दी वर्ल्ड, यू नीड टू ग्रो, आपको बिजनेस को ग्रो करना है, तो आपने यू कैन से एक अच्छे तरीके से गवर्नेंस लाना पड़ेगा। गवर्नेंस यानी कि क्या, अपने बिजनेस को चलाने का तरीका बदलो, अच्छे से बनाओ इसको, ताकि इकोनॉमी पूरी तरीके से ग्रो हो और मेंटेन सर्वाइव हो सके, राइट। इसमें एक यू कैन से सीए कुमार मंगलम बिरला, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, इन्होंने इसके ऊपर एक बात कही दैट कोर बिजनेस फिलोसॉफी, जो बिजनेस का कोर होता है ना, डीप, जो बेसिक चीज होती है बिजनेस की, वो शेयर होल्डर कैपिटलिज्म से स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रही है, जो कि कुछ हद तक अच्छा है, कुछ हद तक अच्छा नहीं भी है, राइट। शेयर होल्डर कैपिटलिज्म मतलब क्या, जो ओनर है कंपनी का, जिसके पास शेयर्स है, उसको पैसा बढ़ते मिले, बढ़ते रहे। स्टेक होल्डर मतलब क्या, इस कंपनी के बढ़ने से जिन भी लोगों को फर्क पड़ता है उन सबको फायदा हो। तो आप सबका फायदा करा रहे हो, इंक्लूडिंग द सोसाइटी या सिर्फ शेयर होल्डर का, ये भी मैटर करता है। एंड इसी के ऊपर ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सेटअप किया गया था, राइट। नेक्स्ट, रिलायंस कैपिटल विल नो लॉन्गर बी इन एनी लेंडिंग बिजनेस। अब लुट गई ना यार कंपनी, ऑलरेडी पैसा है ही नहीं इनके पास। इनके पास एक जमाने में ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, जैसे आज मुकेश अंबानी भी है, बट देन हिज एम्पायर कोलैप्स्ड इवेंचुअली ड्यू टू वेरियस थिंग्स। सो अनिल अंबानी जी का जो रिलायंस कैपिटल था, ये वाले बिजनेस में नहीं रहेगा, इसकी यहाँ पे डिक्लेरेशन की गई थी। ठीक है, तीनों चीजें मैंने समझा दी है, एक बार देख लो फिर स्टॉप करता है। डन सर, प्लीज एक्सप्लेन दी लास्ट लाइन इन सेकेंड पैराग्राफ। ओके, बात करते हैं उस पर भी। नहीं, सी ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ वी वॉन्ट टू मेक आर मार्क इन दी वर्ल्ड, हमको एक मुकाम पे पहुंचना है और अपना नाम बनाना है वर्ल्ड में, तो इसके लिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि वर्ल्ड भी हमारे ऊपर एक मार्क छोड़ के जाएगा। दैट इज मे बी इवन इफ वी आर सक्सेसफुल, वी आर नॉट एबल टू सस्टेन। अगर हम कुछ कर पा रहे तो शायद हमारी कोई आगे की जनरेशन नहीं कर पाएगी, बिकॉज हमने कुछ रिसोर्सेज सोसाइटी के ऐसे यूज किए, नेचुरल रिसोर्स ऐसे यूज किए जो हमने यूज नहीं करने चाहिए थे, हमने एक्सप्लॉइट किए है शायद, इसकी वजह से वो मार्क हमारे ऊपर आएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारा
पॉलिटिकल अफेयर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। कल हम ऑडियो रिवीजन कर लेंगे पहले पॉलिटिकल अफेयर्स का, एंड हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस पे, राइट? वी विल हैव टू क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस, वन एक्सक्लूसिवली ऑन पॉलिटिकल, मे बी टुमारो, एंड अनदर वन ऑन ऑल द थिंग्स वी हैव कवर्ड टिल नाउ। ठीक है, चलो तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।